भाई के साथ हुआ धोखा, ये सारे राइस में वो डूबे पड़े ग्रेवी में। ये और फर्स्ट इम्प्रेशन, ये कोई साफ सुथरा खूबसूरत इतना ग्रीन और मतलब एक अलग फील है इस सिटी की। यहाँ से स्टार्ट होता है जी सिग्नेचर्स फूड कोर्ट, और इसमें कोई एंडलेस किस्म का समंदर है खाने का। फूड कोर्ट में इन्होंने आर्टिफिशियल 3D जो है ना वो पूरी पूरी मील्स बना के रखी हुई है कि आपका खाना इस तरह का दिखेगा जो आप ऑर्डर करोगे। फिर उसके बाद क्या कर दिया, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई यार एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। तो जैसा कि आपको पता है हम लोग थे कोलंबो श्रीलंका में, यहाँ पे हम लोग आए थे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखने के लिए। सब कुछ हो चुका, हम लोग निकल रहे अपनी नेक्स्ट कंट्री की तरफ। फिलहाल जल्दी से हमें नीचे जाना है। तो अभी हुए हैं भाई रात के 3 और हम लोगों की टैक्सी आ चुकी है नीचे, हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। अभी तो भाई सो के उठे हैं, आंखें भी पूरी नहीं खुल रही हैं, रात का टाइम है, कोई भी नहीं है, सिर्फ होटल की जो स्टाफ है वो थोड़ा बहुत जाग रहे हैं। अभी हम लोगों की गाड़ी बस पहुँचने ही वाली है, वो पहुँचेगी, हम लोग जाएंगे यहाँ से एयरपोर्ट पहुँचेंगे, फ्लाइट पकड़ेंगे। और किस कंट्री जा रहे हैं हम, अब मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग जा रहे हैं जी मलेशिया। ये ज़िंदगी में पहली बार है मेरा भी और महा मेरा पहली बार हम दोनों जाने लगे मलेशिया, लेकिन फिलहाल बहुत नींद में एयरपोर्ट पहुँचते हैं, फ्लाइट पकड़ते हैं। Cabin crew be seated for the takeoff. So hi ladies and gentlemen, this is your captain Ron Hamza Saif speaking. हम कोलंबो एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने वाले हैं और 3 घंटे 45 मिनट में हम लोग अल्लाह ताला के खूबसूरत कुदरत के नज़ारे देखते हुए कुआलालंपुर पहुंचेंगे। जेदे को भी विंडो सीट है वार चातियाँ मारदा रहे थे, देखता रहे कितने खूबसूरत बदल लें। और खवातीन हजरात हम लोग 36,000 फीट की बुलंदी पर प्रवास करेंगे। हम लोग कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके हैं और अभी ये मेरा फर्स्ट टाइम है ज़िंदगी में मलेशिया, कभी नहीं आया मैं, तो इसका एयरपोर्ट और ये सिटी किस तरह का है ये देखते हुए जाएंगे। प्लेन से निकलते ही एयरपोर्ट के अंदर एक हेवी किस्म की जंगल फील है, ऐसा लग रहा है हम किसी जंगल की सैर करने के लिए आए हैं। वेलकम टू मलेशिया। आओ जी ज़रा मलेशिया देखते हैं कैसा है। एयरपोर्ट में अंदर आने के बाद तो एकदम से हालात जज्बात इन्होंने बदल दिए। यहाँ पे भी इस तरह से इन्होंने जो है ना वो पूरा ग्लास और इस तरह के एक फ्रेम बना के और बीच में अपने ग्रीनरी शो की हुई है, जिस तरह बाली जब हम गए थे तो उन्होंने भी अपने एयरपोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी शो की हुई थी, क्योंकि इन मुल्कों के पास बहुत ज़्यादा इस तरह से जंगल्स और फॉरेस्ट ये चीज़ें हैं, तो वो ये अपने एयरपोर्ट पर आते ही फील करवाते हैं कि हमारा असल थीम क्या है मुल्क का। खूबसूरत यार, यहाँ पे सारे ड्यूटी फ्री स्टोर्स हैं, इंफॉर्मेशन सेंटर है और चॉकलेटा लिए होता चॉकलेटा। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में किसी भी एयरपोर्ट पे आने के बाद, द ड्रिंक्स आर ऑन अस, वेलकम ड्रिंक्स मलेशिया एयरपोर्ट। क्या बात है यार, व्हाट इज दिस, लेमन टी एंड दिस कॉफी लाइची कॉफी लेमन टी, आप कुछ भी इनसे लेके पियो एयरपोर्ट आपको वेलकम कर रहा है यार, क्या बात है। और वो लीची दे दो यार, थैंक यू, हम पियेंगे लीची, बहुत मज़े का रिफ्रेशिंग है, ले लो। यहाँ जी एयरपोर्ट से होते हुए हम लोग आए हैं इस तरफ, ये एक बस है और बस हमें लेके जाएगी हमारे बैग्स के पास, जैकेट होनी चाहिए थी। ये जो हमारा टर्मिनल था उधर से हम लोग बैगेज क्लेम की तरफ जा रहे हैं और एकदम से टोटल सीनरी जो है वो चेंज होनी शुरू हो चुकी है। एयरपोर्ट के अंदर ही कुछ दुनिया बसी हुई है। इमिग्रेशन प्रोसेस डन और एयरपोर्ट से जैसे ही आप बाहर निकलते हो तो आपको यहाँ पर सारी सिम्स की ऑप्शन मिल जाती है कि कौन सी सिम लेनी है। करेंसी जो मलेशिया में यूज़ होती है वो है मलेशियन रिंगिट। 1 मलेशियन रिंगिट इज़ इक्वल टू पाकिस्तानी 72-73 रुपीज़ का आजकल चल रहा है। तो सिम मैंने यहाँ से निकल के पता किया और इंटरनेट पे भी सर्च किया तो मुझे हर तरफ से वोट मिला सेलकॉम का। एक यहाँ पे सेलकॉम है, एक ट्यून टॉक है, एक हॉटलिंक मैक्सिस है, बट सेलकॉम ने जो है वो पिछले 1-2 साल में काफ़ी सारे अवार्ड्स जीते हैं सबसे तेज़ स्पीड और अच्छे नेटवर्क के लिए। तो हम लोगों ने ले लिया जी सेलकॉम, जो कि मुझे 30 GB डेटा वाली सिम जो है वो मिली है 45 रिंगिट की।
तो अगर कभी भी आना हो तो देख लेना। मैंने होटल पहले बुक नहीं किया हुआ था, तो अभी हम लोग बैठे हैं जरा कॉफी शॉपी लेके, ताकि होटल का कर लें कि कौन से में जाना है, फिर यहाँ एयरपोर्ट से निकलते हैं। वेलकम टू कुआलालंपुर एयरपोर्ट से हम बाहर निकल आए हैं, और BKC ये हमारी टैक्सी नहीं है। अभी मैं टैक्सी का वेट कर रहा हूँ, पता नहीं वो बोल रहा है मैं यहाँ पे हूँ, मैं उसको बता रहा हूँ डोर 4, यही एक जगह है जहाँ पे ग्रैब पहुँच सकती है। अभी ज़रा ये वाला मामला हो ले, फिर चलते हैं आगे। टैक्सी में हम लोग सवार हो चुके हैं और जा रहे हैं सिटी सेंटर, कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। सिटी सेंटर जो है वो तकरीबन 50 किलोमीटर्स है, और एक घंटा आपको लग जाता है पहुँचने में। और अभी तक निकल के जो मैं कुआलालंपुर देख रहा हूँ, जो फर्स्ट इम्प्रेशन है, इतना खूबसूरत, नीट, क्लीन, लश, ग्रीन मुझे फील आ रही है कि यार ये क्या जगह है, मैंने इतना इसको इग्नोर क्यों किया अभी तक। और जिस तरह सिंगापुर जाते मुझे लगा था कि नीट एंड क्लीन, ग्रीन सिंगापुर, यहाँ से बिल्कुल आप ड्राइव करके जा सकते हो, तो कोई 5-6 घंटे शायद सिंगापुर लगते हो पहुँचने में। इसी लैंड के ऊपर सिंगापुर है इनके साथ, तो वही वाली फील है, लेकिन ये मुझे उससे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अभी तो ये फर्स्ट इंप्रेशन है, मौसम बहुत खूबसूरत है। अभी सिटी सेंटर पहुँचते हैं, फिर देखते हैं कि क्या फील होता है। Antes no traía ni un 5, siempre andaba pensativo para lograr lo que logré. Thank you. Thank you. अच्छा भाई, कुआलालंपुर में अपार्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, यहाँ होटल से ज़्यादा लोग अपार्टमेंट को प्रेफर करते हैं। तो ये एक अपार्टमेंट है, प्लैटिनम स्वीट्स बाय द फेस, यहाँ पे आके हम लोगों ने एक अपार्टमेंट लिया है, और ज़रा चेक करवाता हूँ आपको। हम लोग पहुँच चुके हैं अपने अपार्टमेंट में, आपको देता हूँ अपार्टमेंट टूर। और जी यहाँ से स्टार्ट होता है, और इस तरह की सारी कबर्ड्स वगैरह आ गई, कबर्ड्स के बाद इधर एक कोई फ्रिज है, फिर लॉन्ड्री की जगह है, फिर उसके अलावा यहाँ पे एक मिनी किचन है, मिनी किचन के अलावा यहाँ पे बिल्कुल सामने एक पूरा इन्होंने जो है वो लिविंग रूम टाइप यहाँ पे बनाया हुआ है, और यहाँ पे थोड़ा सा वर्क स्टेशन है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम लोग आए तो वॉशरूम है, इसको छोड़ दें। यहाँ पे जी सारा ड्रेसिंग एरिया, ड्रेसिंग एरिया के बाद अगर आगे आ जाए तो आगे आता है हमारा बेडरूम, सिंपल सा कोजी सा बेडरूम है। और बेडरूम से आगे अगर हम इसको खोलें, ओए होए 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 होए, क्या खूबसूरत व्यू है पूरे सिटी सेंटर का। यहाँ से सारी बिल्डिंग्स और एक सिटी सेंटर की वाइब, वो सारा यहाँ से फील आ रही है। मलेशिया का कितना बड़ा झंडा लगाया हुआ है इन्होंने, बहुत ज़्यादा अक्सर जगह पे झंडे नजर आते हैं। अच्छा, बेडरूम से इस तरफ अगर हम इसको खोलें तो यहाँ से फिर हम लोग आ जाते हैं अपने उसी लिविंग रूम में, जहाँ से गुजर के हम एंटर हुए थे। और लिविंग रूम से इस तरफ फिर से एक पूरा ये व्यू है सिटी सेंटर का, क्या ही खूबसूरत अपार्टमेंट है। यहाँ पे अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा भी लगा, क्योंकि ये आप पूरा अपार्टमेंट ले लेते हो, और रूम आपके पास होता है, लिविंग रूम आपके पास होता है, हर चीज़ है। फिर उसके बाद क्या कर दिया क्या 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 गिराया मुझे ऐसे शदीद किस्म का खड़का आया, कोई चीज गिरा ली है। रेडी स्टेडी होके हम लोग निकल चुके हैं कुआलालंपुर की सड़कों पे, और वैसे अंधेरा हो चुका है, तो हमारे पास आज कुछ ज़्यादा करने को चीज़ें हैं नहीं। तो यहाँ पे बिल्कुल सामने ही हमारे ट्विन टावर्स हैं, पेट्रोनास ट्विन टावर, जो यहाँ की एक आइकॉनिक तरीन चीज़ है। वहाँ जा रहे हैं, उसके पास ही एक बहुत अच्छा फूड कोर्ट है, कुछ खाना शाना खाएंगे। और फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ कुआलालंपुर, ये कोई साफ सुथरा खूबसूरत, इतना ग्रीन, और मतलब एक अलग फील है इस सिटी की। मैंने इतने मुल्क ट्रैवल किए, मुझे अक्सर भी पूछता था मलेशिया गए, मैं कहता नहीं यार अभी तक मुझे फील नहीं आई कि मैं मलेशिया जाऊँ, क्योंकि वो उसके आसपास मैंने थाईलैंड देख लिया, सिंगापुर देख लिया, तो वो मुझे अक्सर लोग कहते थे कि यार मलेशिया लाजमी जाना चाहिए। अब मैं आया हूँ तो मुझे फील हो रहा है कि सब क्यों कहते थे। एक प्रॉपर क्लीन सिटी वाइब के साथ आपको ऐसा लगता है कि जंगल के अंदर, मतलब इतना इतना ग्रीन है और इतने दरख्त हैं यहाँ पे कि आपको लगता है एक जंगल के अंदर बहुत खूबसूरत शहर आबाद है। क्या फील आई मलेशिया के बारे में, क्या सोचा हुआ था और कैसा लग रहा है ये? मैंने तो अच्छा ही सोचा हुआ था, वैसे पता है ऑनेस्टली अच्छा ही सोचा हुआ था। हाँ। तो मुझे लग रहा था कि शायद वो कोई इतना खास मजा ना आए, बट बहुत अच्छा अभी सो फार हमारा एक्सपीरियंस बड़ा मजे का रहा। हाँ। क्योंकि हमें बड़ी जॉइंट ह्यूज बिल्डिंग, हाँ, वो वाली फील आ रही है, लाइटनिंग इफेक्ट्स बड़े मजे के हैं और बड़ा मजे का। इस टाइम मेरे इस तरफ है पेट्रोनास ट्विन टावर, जो कि एक आइकॉनिक बिल्डिंग है मलेशिया की। और यहाँ पे कुआलालंपुर सिटी सेंटर में इतनी बिल्डिंग्स हैं, मतलब एक डाउनटाउन की तरह जैसे होता है, बट ये बिल्डिंग सब में जिस तरह वो स्टैंड आउट कर रही होती है, क्योंकि इन्होंने इसको इतना लिट किया हुआ है कि बाकी सारी बिल्डिंग्स की जो लाइट्स हैं वो इसके सामने कम पड़ रही हैं, इतनी ज़्यादा रोशनी है। ज़ाहिर बात है
उनकी एक आइकॉनिक बिल्डिंग है, उन्होंने इसको ज़रा मेजर स्पॉटलाइट दी हुई है। तो वो ऐसे लगता है कि यार कोई वाइट कलर के शदीद ही वाइट लाइटों वाले जो है ना दो टावर्स खड़े हुए हैं। अखीर व्यू है इसका। इतना तो मुझे बुर्ज खलीफा भी पहली बार अलग नहीं लगा था जितना ये लग रहा है। खैर ये बिल्कुल सामने इसका मॉल है, सूर्या KLCC कुआलालंपुर सिटी सेंटर। यहाँ पे इसका जो फूड कोर्ट है वो बहुत मशहूर फूड कोर्ट है, वहाँ जा रहे हैं रोटी शोटी का इंतज़ाम करने। इसके अंदर आपको सारे लग्जरी ब्रांड्स हर चीज़ मिलती है। और इसका जो फूड कोर्ट है उसका नाम है सिग्नेचर्स फूड कोर्ट, और वो मतलब अलग ही कुछ मशहूर है यहाँ पे। जितना भी फूड कोर्ट के बारे में सर्च करो सबसे पहले वो आता है। तो मैं देखता हूँ कि उसमें ऐसा है क्या जो इतना मशहूर फूड कोर्ट है। वो यहाँ से स्टार्ट होता है जी सिग्नेचर्स फूड कोर्ट, और इसमें कोई एंडलेस किस्म का समंदर है खाने का। हर तरफ कोई हंड्रेड्स ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं, फ्यूल शेक और पता नहीं गो, ये तो मैं अभी देख रहा हूँ कि आवाम किस किस तरफ बैठी खाना खा रही है यार। फूड कोर्ट में इन्होंने आर्टिफिशियल 3D जो है ना वो पूरी पूरी मील्स बना के रखी हुई है। ये नकली है बिल्कुल, ठीक है। ये जिस तरह आप समझ लो शायद प्लास्टिक का या किसी भी तरह से उन्होंने बना के रखा है कि आपका खाना इस तरह का दिखेगा जो आप ऑर्डर करोगे। इस तरफ भी इन्होंने ढेरों डिशेज जो हैं वो ये सारी नकली बना के रखी हुई है यहाँ पर। और इतना अच्छा लगता है कि आपको पता लग जाता है कि यार अगर मैं कुछ ऑर्डर करूँगा तो वो चीज़ किस तरह की दिखेगी और उसकी क्या क्वांटिटी होगी। एक पूरा चक्कर फूड कोर्ट का लग चुका है, काफ़ी मज़े मज़े की चीज़ें यहाँ पे। क्या खाना है भाई? यार मैं सोच रही हूँ बर्गर। यहाँ पे एक है जी फ्यूल शेक, वहाँ का मूड है यहाँ से बर्गर खाने का, बट मेरा मूड है आगे मैंने एक ताड़ा ज़रा चिकन चिली ड्राई। थैंक यू। ये जी इन्होंने ड्राइड चिकन चिली का स्टैचू बना के रखा हुआ है, यही मैंने ऑर्डर किया बीफ में तो मुझे ये मिला है। क्वांटिटी उसमें थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई हुई है, उसमें ज़रा प्याले से बाहर आ रही है, इसमें ज़रा प्याले के अंदर अंदर है। जितनी देर में मैं अपना खाना ला रहा था महा ने अपना बर्गर उड़ा दिया है। कैसा लगा बर्गर हैं? इसमें अब बीफ कितना है और सॉस कितनी है ये खाएंगे तो पता लगेगा। मुझे लग रहा है सही है, बट टेस्ट मैटर करता है। और इस फूड कोर्ट की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप कुछ भी खाओ आपको मज़े का मिलता है। भाई के साथ तो हुआ धोखा, ये सारे राइस में वो डूबे पड़े ग्रेवी में, और मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि मैं एक सोया सॉस में डूबे हुए चावल खा रहा हूँ। और बीफ कोई चार या पांच पीसेस थे छोटे छोटे, जैसे ये भी एक ये पड़ा हुआ यहाँ पे, ढूंढने पड़ रहे हैं क्या बंदा इसका खाए। ये 0.5 है सच्ची भाई। उसमें तो सीन मेरे साथ बहुत बैड हुआ है, वहाँ मेरी शक्ल देख रही थी कि बेचारा वो चिली ड्राई लेके फंस गया है। तो अभी माँ मेरे लिए लेके आई है जी बर्गर डबल पैटी। ओए 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 अन्नी पैजनी, मैं सिंगल पैटी खा सकता था, ये कैसे खाऊं मैं? उसने वो सॉस ने जीप सा पेट इस तरह हैवी किया, मैं समझ नहीं आ रही कि वो हो जी निकाल दो बस। देखा पता चला ना, मुझे भी ऐसे गर्म लग रहा था फर्स्ट बाइट पर, आप मुझे कह रहे थे अच्छा नहीं है। बहुत यम्मी है। नहीं जी अपार्टमेंट में भाई वापस पहुंच चुका है, और क्या ही इस टाइम रूम से व्यू है। ओए होए 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 होए, खूबसूरत बिल्डिंग्स सामने, और वो कोई फुटबॉल ग्राउंड है जिसमें शदीद किस्म की इस टाइम जो है ना फुटबॉल चल रही है रात के 11 बजे। और यार ये जो रोड्स होती है ना इनको इतनी हाइट से देखने की एक अलग फील है। अच्छा कोई भी ऐसा होटल हो ना जिसमें आप काफ़ी हाइट पर स्टे कर रहे हो तो उसमें ये वाली जो विंडोज़ होती हैं इन्होंने लॉक की होती हैं कि कोई भी सुसाइड कर सकता है। तो मैंने कहा लॉक ही होगी, एमी मैं इसको पंगे ले रहा था तो मैंने पंगा लेके देखा और ये खुली हुई है यार, ये इससे ज़्यादा खुलती नहीं है, बट फिर भी इसको कोई भी कुछ कर सकता है। अदरवाइज इन्होंने बिल्कुल इसको जो है ना वो ब्लॉक किया होता। वो व्यू कितना क्लियर हो गया। खैर जी ये था हमारा पहला दिन कुआलालंपुर मलेशिया में, और अभी तक जो मुझे वाइब आई है कुआलालंपुर की वो बहुत ही नीट क्लीन, जिस तरह मैंने बार बार बोला है। लेकिन बीच में अक्सर जगह आपको लगता है आप बैंकॉक में फिर रहे हो, किसी किसी जगह पे लगता है आप सिंगापुर में फिर रहे हो। तो वो बड़ा मिक्सर सा है, खूबसूरत स्काई स्क्रैपर्स, उसके अलावा नीट क्लीन ग्रीनरी रोड्स। मेरे ख्याल से अभी हम कल इसको दिन में देखेंगे ज़्यादा फील होगा, अभी तो मुझे जितना मैंने देखा है बहुत पसंद आया। खैर जी इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी करें, भाई को दुआ में याद रखना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है मुझे ओके जी फॉलो महा एज़ वेल ऑन इंस्टाग्राम।